क्योंकि दोस्तों व्यू व्यू देखते रहे, इधर खाई को भी देखना पड़ेगा, नहीं खाई में चले जाए और व्यू हमारा बन जाए। इधर इधर पैर रख दिया तो सीधा नीचे जाके गिरना है। तो यार हमें दिख चुका है हिरन का बहुत सारा झुंड, इतना प्यारा व्यू है अभी क्या बरसात। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:30 और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए माधव सागर लेक। माधव सागर जो लेक है उसका व्यू इतना प्यारा है दोस्तों, तो वो आपको मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहे और ब्लॉग को एंड तक देखेंगे। शाम के बज चुके हैं 6 और अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो है, आप देख ही सकते हो। और पीछे मेरा भांजा मस्त चिल कर रहा है, क्यों मजा आ रहा है कि नहीं? तो दोस्तों अभी थोड़ा दूर और रह गया हमारा माधव सागर लेक और वहाँ पहुँच के बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं जाते हुए और यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी हैं, साइड में बैठे रहते हैं, उधर उधर बंदर भी फिर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहें। पूरा पहाड़ काट दिया और रास्ता बना दिया खोद के, ये बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ था दोस्तों, तो पूरा काट दिया गया। देख रहे हैं दोस्तों ये डले हुए सारे पत्थर डले हुए हैं, ये पूरा इतना बड़ा पहाड़ था, इसे काट काट के पूरा रास्ता बना दिया दोस्तों। बिल्कुल एक समय जब हम आए थे यहाँ पे बहुत दिन पहले तो बिल्कुल बहुत बड़ा पहाड़ था जी, और आज देखिए दोस्तों एकदम फ्लैट कर दिया यार। दोस्तों आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, चारों तरफ आसमान एकदम खुले हुए हैं और हल्की हल्की रोशनी रह गई है दोस्तों, क्योंकि आप शाम के 6:30 बजने वाले हैं, तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा धूप बहुत कम हो जाती है और लाइट सेट बहुत अच्छा लगता है देखने में, आसमान एकदम नीले नीले नज़र आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारा लग रहा है। तो अभी बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहें, स्लो स्लो स्लो। तो गाइस ये देखिए बानर सेना कुकू, बहुत सारे बानर सेना बैठी हुई थी, हल्का स्लो करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो ये है माधव सागर लेक और बहुत ही प्यारा व्यू आप कैमरे में देख रहे होंगे, अलग ही आपको दिख रहा होगा सामने सूरज की रोशनी और दोनों तरफ ये छतरियां बनी हुई है। और ये देखिए दोस्तों अलग ही कितना गहरा है यार ये, हाँ बहुत गहरा है, बहुत गहरा है ना दोस्तों, आपको आगे ले जाऊंगा, आ जाओ दोस्तों। ये रास्ता थोड़ा बेकार है और अब हम जा रहे हैं आगे, ये देखिए पत्थर ही पत्थर और ये देखिए तहखाना अलग ही पूरा नेक्स्ट लेवल का है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए माधव सागर लेक बना हुआ है, पीछे देख के आना तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों ये जो नज़ारा है आप देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा है। और इधर देखिए दोस्तों, इधर देखिए ये जो नज़ारा है ये तो दोस्तों अलग ही है यार, आप देख सकते हो कितना प्यारा है। मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको, ये दोस्तों माधव सागर लेक जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये समुद्र सा भरा हुआ है, ये देखो दोस्तों अलग ही मज़ा है, ये देखो सामने दोस्तों आप सूरज देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारा भांजा बैठा हुआ है, तो फाइनली गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है पूरा माधव सागर लेक। तो दोस्तों अभी बरसात का टाइम नहीं है, क्योंकि बरसात के टाइम पर यहाँ तक पानी भरा आता है, पूरा की पूरा भरा रहता है, अभी थोड़ा खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी बरसात नहीं हुई है। तो मैं आपको और आगे चल के दिखा देता हूँ दोस्तों, इतना प्यारा लेक है ये, इसे बोलते हैं माधव सागर लेक और ये सीपी में पड़ता है। और दोस्तों इतना बेहतरीन लेक है, जब बरसात के टाइम पर यहाँ पर हम आते हैं तो इतना मज़ा आ जाता है दोस्तों, झरना जो बहता है ना ऊपर से उसका दोस्तों व्यू कितना प्यारा आता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मैं आपको और दिखा देता हूँ दोस्तों माधव सागर लेक का व्यू, तो ब्लॉग में बने रहें, आ जाओ भाई आगे इधर से फुल के आराम से।
आराम से आना निकल के, आराम से देख के। ये आप देख सकते हो माधव सागर लेक कितना खूबसूरत बना हुआ है, और ये है सीपरी के अंदर, सीपरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, माधव सागर लेक के नाम से जाना जाता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा व्यू है। अभी क्या बरसात नहीं हुई दोस्तों, इसलिए खाली पड़ा हुआ नहीं, बरसात हो जाती तो यहाँ तक भी नहीं आ पाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ भी आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बरसात जब हो जाती है तो इतना प्यारा व्यू आता है दोस्तों। और अभी भी आप देख सकते हो सामने सूरज डूब रहा है, पर इतना प्यारा लग रहा है दोस्तों, इतना प्यारा सनसेट जिसे बोलते हैं शाम के टाइम, वो हो रहा है, इतना मजेदार सीन है, आप वीडियो में देख ही सकते हो ब्लॉग में यार दोस्तों, तो ब्लॉग में बने रहे। और ये देखिए दोस्तों पानी का जो नज़ारा है वो देखने लायक है, अलग ही लग रहा है व्यू। ये देखिए कितना शानदार व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हो ब्लॉग में सूरज कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, देख के एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। क्या खाली है तो थोड़ा दिखेगा नहीं, बहुत सारी मछली है। हाँ इसकी गहराई दोस्तों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी बरसात नहीं हुई इसलिए खाली पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो ब्लॉग में कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू। ये है दोस्तों माधव सागर लेक। अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और आगे जाके आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा क्या होने वाला है दोस्तों। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, और इतना बढ़िया। मेरे पीछे देखो दोस्तों कितना सारा पानी भरा हुआ है, क्यों मज़ा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो शाम के टाइम जो व्यू निकल के आ रहा है कितना प्यारा लग रहा है। पीछे दोस्तों जो सूरज डूब रहा है ना, अलग ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने बड़ी लाइट जला दी हो। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहे। और अभी ये थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ है, और दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका पानी कितनी दूर तक फैला हुआ है, सीधे सामने तक जब आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पानी पूरा फैला हुआ है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू लग रहा है देखने में। तो थोड़ा आगे चलते हैं हम। ये जीने हैं दोस्तों पानी में जाने के लिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों ब्लॉग में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये है माधव सागर लेक, और ये सीपरी में है ये जगह, तो आप देख सकते हो। के बहुत ही मजा आ गया, और अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। अब व्यू भी है उधर, खाई भी है दोस्तों, तो ये भी देखनी पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों व्यू देखते रहे, इधर खाई को भी देखना पड़ेगा, नहीं खाई में चले जाए और व्यू हमारा बन जाए तो उसका भी ध्यान रखना है। इधर पैर रख दिया तो सीधा नीचे जाके गिरना है, और इधर कर दिया तो सीधा इसमें पानी में जाके गिरना है, खाना बन जाएंगे मगर होगा गिरना है, इसलिए सावधानी से रास्ते को पार करना है। ये देखो आ चुके हैं ऊपर, चलिए ऐसे करना है, ऐसे मोड़ लो दोस्तों। यहाँ आसपास हिरन भी है बहुत सारी, और वो हिरन का झुंड कहाँ पर है तो हम वो भी देखते चलेंगे। रास्ते में हिरन का झुंड भी है, एक अंकल ने बताया कि यहाँ बहुत सारी हिरन आई हुई हैं, और वो हिरन कहाँ पे आई हुई है आपको मैं बताऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहे यार। शाम के 7 बज चुके हैं, और जो ठंडक सी हो गई ना दोस्तों, अलग ही मज़ा आ रहा है घूमने में यार, क्या बोले। और चारों तरफ ऐसा प्यारी प्यारी हवा चल रही है, और पीछे हरा भरा लग रहा है, तो घूमने में इतना क्यों मज़ा आ रहा है कि नहीं? तो बहुत ही मज़ा आ रहा है बैठने में गाड़ी पे दोस्तों, एकदम चिल करके, क्योंकि मैं पहले गाड़ी में खुद चलाता था तो ज़्यादा मज़े नहीं आते थे, अब गाड़ी मैं नहीं चला रहा, मेरा भांजा चला रहा है, तो बहुत चिल करके बैठा हूँ, मस्त एकदम इन्जॉय कर रहा हूँ। तो ब्लॉग में आप देख ही सकते हैं, और आप भी इन्जॉय करें ब्लॉग में, क्योंकि अंकल ने बताया था कि यहाँ हिरन का झुंड छूटा हुआ है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल पार्क बना हुआ है, माधव नेशनल पार्क बना हुआ है हमारी सीपरी के अंदर, तो ये पूरा जो रास्ता है पूरा नेशनल पार्क में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हिरन। चलो गाड़ी, तो फाइनली गाइस यार हमें दिख चुका है हिरन का झुंड, और मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो बने रहे थोड़ी गाड़ी इधर आराम से। तो फाइनली गाइस यार हमें दिख चुका है हिरन का बहुत सारा झुंड, तो ब्लॉग में बने रहे, और मैं धीरे से आपको हिरन का झुंड दिखाता हूँ, आवाज़ नहीं करनी अपन को बिल्कुल भी, आपको दिखाता हूँ हिरन का झुंड कितना सारा है यार, नेशनल पार्क वाले मजा आने वाले हैं, पक जाएंगी भाग जाएंगी सारी, इधर भाग जाएंगी सारी, मैं
तो फाइनली गाइस यार देखो ये कितनी सारी हिरन है यहाँ चल रही है। ये देखो दोस्तों भाग गई, कैमरे में देखो ये दोस्तों, ये कितनी सारी हिरन है दोस्तों, ये देखो बहुत चल रही है सारी, अभी हमें दिखी नजर आ गई थी। ये देखो दोस्तों कितनी सारी हिरन हिरन है यार, मेरे पीछे बहुत सारी हिरन का झुंड बना हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ क्योंकि नेशनल पार्क है और बहुत सारी हिरन मिली थी तो यहीं खड़ी हुई थी सारी की सारी, और जैसे ही हम यहाँ आए तो दोस्तों इधर से पूरी सारी आगे भाग गई। इतना मजा आया दोस्तों लाइव हिरन को देखने में, क्योंकि पहली बार ही देख रहा हूँ दोस्तों इतनी पास से हिरन को देखा मैंने, और जैसे ही दोस्तों हमारी आवाज़ सुन के वो आगे भाग चुकी है, बहुत ही मज़ा आ गया। हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी होकर रह गई आगे, चलो ढक्का दूँ, चलो 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 लगाओ लगाओ ब्रेक ये, चलो चलो बस 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 आगे ले जाओ, हमने ढक्का दिया ऊपर चली गई, मजा आ गया। ऐसे कोई नहीं देखा दादा लिफ्ट, दादा को देखिए लिफ्ट, मैं नहीं दादा ऐसे ही नहीं दे रहा कोई लिफ्ट, तो मैं यहाँ के लोग नहीं देते हम लिफ्ट, पेट्रोल महंगा होगा है ना, लिफ्ट कौन देगा। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा व्यू निकल के आ रहा है यार, सूरज जो हल्का हल्का सा दिख रहा है पहाड़ी के पीछे। सामने ट्रक वाले ने ऐसा जाम लगाया है दोस्तों, आप देख सकते हो, मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ, ऐसी रास्ता पूरी जाम करके दिए, पूरा जाम करके रख दिया है। ये देखो पूरा अब जाके रास्ता साफ हुआ है, हम तो हैं तो दोस्तों ये देखो आप क्या बढ़िया नज़ारा है। ऐसे यार घर पहुँचते पहुँचते हमें हो गई रात यार, तो रात के बज चुके हैं 7:30, और तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।